तो हेलो एंड आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो ब्रायन सर हैं ऑफ कोर्स कुछ एक्शन दिखाने के लिए रेडी, और ऑफ कोर्स उनका AEW वर्ल्ड टाइटल लगा रहेगा दांव पे। और मैंने ऑफ कोर्स रेसल ड्रीम के ये तीन बंदे सेलेक्ट कर लिए हैं जो कि जीते थे, यानी कि जे वायट, कोनोसुके और डेरबी एलेन। ऑफ कोर्स कोनोसुके तो इंटरनेशनल चैम्पियन भी बन चुके हैं, ऑफ कोर्स विल से टाइटल हथिया लिया है कोनोसुके ने, जिसका डर था वो हो चुका है। खैर क्या कर सकते हैं, वैसे ऑफ कोर्स इन्हीं तीनों को मैंने चुना है, चुनना मैं और भी लोगों को सकता था, जैसे कि ऑफ कोर्स ब्रिस्को सर को भी चुन सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इनको ही चुना है। और ऑफ कोर्स क्या ये ब्रायन सर को हरा पाएंगे? ब्रायन सर ऑफ कोर्स शायद रिटायर हो चुके हैं, शायद, क्यों कह रहा हूँ आगे बताता हूँ। खैर अभी के लिए तो ब्रायन सर गेम में मेरे चैम्पियन थे, मॉक्सली को हराया था, और ऑफ कोर्स अब अपनी चैम्पियनशिप डिफेंस करेंगे इनके खिलाफ। देखते हैं ब्रायन सर क्या रिटेन कर पाएंगे या आज इनमें से कोई हराने वाला है। खैर इस वीडियो को जल्दी से चालू करते हैं, लेट्स गो। तो ये मैच इधर चालू होता हुआ और एक फिनिशर था इन सभी के पास, है डेरबी। डेरबी को लेने का रीज़न एक और भी है कि मैं चाहता था कि ये लड़े वन ऑन वन, लेकिन ठीक है वन ऑन वन नहीं लड़वा रहा हूँ ब्रायन सर के साथ, लेकिन ऑफ कोर्स बैटल फोर में तो लड़ सकते हैं ना, तो ठीक है। खैर जिस टॉपिक को मैं अवॉइड कर रहा था, रेसल ड्रीम के टॉपिक को, मैंने बात तक नहीं करी थी रेसल ड्रीम की, अगर आप लोग को याद हो तो। खैर ठीक है चलो बात कर लेते हैं। जे वाइट भाई साहब, मुझे लगा था कि हार जाएंगे, लेकिन नहीं, गेम ने कहा था जीतेंगे भाई, और गेम ने जितवाया था। मैं तो बोल ही रहा था कि हार जाएंगे जे वाइट। देखो एडम पेज इस समय बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप में खेल रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स मैं इतना कहूँगा कि उस समय तो हरा दिए जे वाइट ने, और मैंने भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि जे वाइट ऑफकोर्स कमज़ोर हैं, वीक है, नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि एडम पेज को ज़्यादा ही आक्रामक खेल रहे हैं, तो कहीं हरा ना दें जे वाइट को, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ ऑफकोर्स, और दूसरी बात ये कि भाई ऑफकोर्स ये तो रेसल ड्रीम में तो जीत गए थे, लेकिन आज हुआ वो थोड़ा सा भाई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पहले एक बार इनका मैच चल रहा था जे वाइट का, ऑफकोर्स किसके साथ चल रहा था? ऑफकोर्स एडम पेज के साथ चल रहा था, उधर क्रिस्टन केज आए थे और एडम पेज जीत गए थे, ठीक है। तो अब जे वाइट तो ऑफकोर्स उन दोनों को अपने दुश्मन समझ रहे हैं। आज सही में जो फाइट होनी चाहिए थी वो हुई जे वाइट और क्रिस्टन केज के बीच, लेकिन क्या हुआ आपने देखा ना, थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इस बार एडम पेज ने मार दिया और ऑफकोर्स क्रिस्टन केज ने विक्ट्री हासिल कर दी, तो जे वाइट आपका रिवेंज टूर यहाँ से स्टार्ट होता हुआ। खैर अभी के लिए कोनोसुके की बात करी जाए, तो ये इनका ऐसा कहना है, आज आए थे कह रहे थे कि भाई मैं सबसे अपना टाइटल डिफेंस करूंगा किसी से भी, और ऑफकोर्स ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन जिससे तुम्हें डिफेंस सही में करना था ऑफकोर्स विल से वन ऑन वन, क्या तुम उसका पिनफॉल भी कर सकते हो कोनोसुके? मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसने भी मैच देखा रेसल ड्रीम का, है ना, जिसने भी मैच देखा उसे पता होगा क्या हुआ है। कोनोसुके ने चीटिंग करी है, काइल फ्लेचर ने और डॉन कैलिस ने क्या किया विल के साथ सबको पता है, रिकोशेक के साथ क्या किया सबको पता है। कोनोसुके क्या बिना चीटिंग के जीत पाते? मुझे नहीं पता भाई। कोनोसुके नए चैम्पियन बन चुके हैं, विल आ जाए नहीं, लेकिन मैं देखना चाहूँगा विल इसके बारे में क्या सोचते हैं। खैर अभी के लिए ऑफकोर्स डेरबी की फाइट अच्छी थी, डेरबी ने अपने दोस्त को हराया जिसकी वो कभी पिनफॉल नहीं कर पाए थे, लेकिन ऑफकोर्स रेसल ड्रीम में कर दी, बढ़िया रहा। रेसल ड्रीम में वैसे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न भी हुए हैं, यानी कि ऑफकोर्स वापस आ चुके हैं एडम कॉल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एडम कॉल, MJF, डैनियल गार्सिया तो पहले ही आ गए थे, लेकिन हाँ डैनियल गार्सिया ने जब अपने आप को शो करा ऑफकोर्स वहाँ पर रेसल ड्रीम में, तो MJF भी आ गए, MJF मारने जा रहे थे, और ऑफकोर्स भाई साहब टोटल केओस हो गया MJF के लिए। ऑफकोर्स एडम कॉल आ गए भाई, तो ऑफकोर्स MJF के लिए नए अपोनेंट आ चुके हैं। डैनियल गार्सिया से यही कहूँगा कि भाई बच के रहो, तुम जहाँ अपना ऑफकोर्स ना घुसेड़ रहे हो ना, हाँ ना घुसेड़ो तो बेहतर। जॉन मॉक्सली इस समय नेक्स्ट लेवल पे, मैं बात नहीं करना चाह रहा था जॉन मॉक्सली के बारे में, लेकिन करता हूँ। ऑफकोर्स जॉन मॉक्सली की बात करी जाए, जो कि ऑफकोर्स करियर ख़त्म कर चुके हैं डैनियल ब्रायन का, लेकिन मैं यही कहूँगा डैनियल ब्रायन सर कि आप अच्छे से हेल्दी हो जाओ, आप रिकवरी कर लो, और मे बी मैं अभी थैंक यू ब्रायन नहीं बोल रहा, क्योंकि
क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हेल्दी हो जाओ वापस से, जो भी अपनी सर्जरी करानी है करा लो, उसके बाद आप वापस आओ, अपना रिवेंज लो मॉक्सली से। नहीं, ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग भी चाहते हैं, कमेंट्स बताइएगा, मैं चाहता हूँ रिवेंज लिया जाए। खैर अभी के लिए ओके, यहाँ पे जे वाइट और ब्रायन लड़ते हुए, खैर और डेरबी को न सुखे को मारते हुए, अच्छी बात है, मारो मारो इसे मारो, ये पिटने के हकदार भी है। खैर अभी के लिए मैं तो यही कहूँगा कि ऑफकोर्स डेरबी एलिन भी आज आए नहीं थे वैसे, ओके ये कैमरा एंगल थोड़ा सीनी हो गया, हाँ तो खैर डेरबी एलिन भी आज आए नहीं थे, पता नहीं कहाँ है, रसल रिंग के बाद कोई भी उनकी जानकारी है नहीं। जॉन मॉक्सली के बारे में बात करी जाए तो भाई जो उन्होंने पुरानी स्टेटमेंट दी थी, मैंने सुनी वो पुरानी स्टेटमेंट भी, मेरे ऑफकोर्स सब्सक्राइबर ने भेजी थी तो मैंने सुनी, उधर उन्होंने ऑफकोर्स अच्छे से समझाया कि जो चीज़ भाई ऊपर जाती है वो एक दिन नीचे गिरती ही गिरती है। वो डैनियल ब्रायन के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने उस वीडियो में बात करी कि फिज़िकली डैमेज करा जाएगा ऑफकोर्स ब्रायन सर को, और ऑफकोर्स फिज़िकली तो डैमेज किया ही किया, उनके दोस्तों से भी डैमेज करवाया ऑफकोर्स, बॉस यानी कि क्लाउडी और विलर यूटा, और ऑफकोर्स विलर यूटा ने भी जब भाई उन्होंने बैक टर्न करी ना ब्रायन सर के सामने, तो 2 मिनट फिर तो मैं भी शॉक हो गया था, ये क्या हो गया। खैर अभी के लिए तो पुराने वीडियो में जॉन मॉक्सली के जब बाल हुआ करते थे तो उन्होंने ये भी कहा था ऑफकोर्स फिजिकली डैमेज के बारे में, और ऑफकोर्स एक गलती करेंगे ब्रायन सर और उस गलती का फ़ायदा मैं उठाऊँगा, जॉन मॉक्सली का कहना यही था। खैर और ये सारी बातें उन्होंने सच कर दी है भाई, सच कर दी है, और ऑफकोर्स मैं तो ये कहूँगा फिजिकली के साथ साथ मेंटली टॉर्चर भी ब्रायन सर को किया गया है, और भाई साहब व्हीलर यूटा भी टर्न कर गए, मेंटली टॉर्चर नहीं है ये तो क्या है, ऑफकोर्स मैं तो यही जानना चाहूँगा। खैर फिजिकली मेंटली और ऑफकोर्स ब्रायन सर से उनका टाइटल छीन ले गया, पता नहीं जॉन मॉक्सली ने वो टाइटल कहाँ रखा है, वो टाइटल लेके तो आज भी नहीं आए थे। ऑफकोर्स जॉन मॉक्सली ने अगर बात करी जाए पुरानी को छोड़ के नई की, आज AEW में ऑफकोर्स उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहली बात, जो हमारे साथ रहना चाहता है वो हमारे साथ रह सकता है, हमें ज्वाइन कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे से दूर रहना चाहता है, हमारा मतलब ऑफकोर्स नहीं चाहता है कि जॉन मॉक्सली अपने तरीके से चीज़ें चलाएं, वो हमसे दूर रहे, हमारे बिजनेस पे अगर इंटरव्यू नहीं करेगा तो ही उसके लिए अच्छा रहेगा, और जॉन मॉक्सली ने प्रूफ भी करा भाई। आज ऑफकोर्स जब मैच चल रहा था, ऑफकोर्स ऐसा समझ लो टीम मैच था, टीम इलाइट वर्सेस मे बी ऑरेंज कैसिडी की टीम, ठीक है तो ऐसा समझ लो मैच चल रहा था, उधर मैच में डिस्ट्रैक्शन हुआ ऑफकोर्स, हो यहाँ पे फिलहाल के लिए गजब के मूव्स हो गए, हाँ तो खैर मैच चल रहा था, उधर मैच तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ इलाइट अच्छे से बात को समझ गया जॉन मॉक्सली की, इलाइट ने कहा देखो ये हमारा बिजनेस नहीं है, पीट रहे हो जॉन मॉक्सली, जिसको पीटना है पीटो, जॉन मॉक्सली और उसकी कंपनी तो बहुत अच्छे से पीटी गई है, उनको जो बचाने के लिए आए थे वो भी पीटे गए हैं, जॉन मॉक्सली ने तो कह दिया है कि ऑफकोर्स ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, और ऑफकोर्स ये तुम्हारी कंपनी नहीं है, इन द सेंस बिजनेस इन द सेंस ये तुम्हारी कंपनी नहीं है, ये मेरी कंपनी है, ठीक है अब मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। जॉन मॉक्सली क्या करना चाह रहे हैं अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, खैर आपके भी नहीं आ रहा तो बताइएगा, और ऑफकोर्स जो उनके पुराने वर्ड्स थे कि हम दोनों में जब लड़ाई होगी, यानी कि ब्रायन सर और जॉन मॉक्सली में, तो पता चल जाएगा कौन है बेटर मैन, और शायद जॉन मॉक्सली ने बता दिया। खैर जब इनका मैच हुआ रेसलिंग में तो बहुत चीटिंग हुई, जॉन मॉक्सली ने बहुत चीटिंग करी, लेकिन अंत में भाई मैं यही कहूँगा जॉन मॉक्सली ने ब्रायन को हरा दिया, फिजिकली मेंटली हर चीज़ से टॉर्चर किया गया, क्लाउडियो ने उनके दोस्त ने मारा ब्रायन सर को, वीलैंड ने मारा, वीलैंड ने तो ऑफकोर्स वो मेन काम किया पन्नी से, ऑफकोर्स पन्नी है प्लास्टिक बैग ले लो, उससे ऑफकोर्स सांस रोकने की कोशिश करी ब्रायन सर की, तो ऑफकोर्स सबसे यही कह रहे हैं थैंक यू ब्रायन, मैं नहीं मानता, लेकिन ऑफकोर्स अपनी पुरानी स्टेटमेंट इस तरीके से जॉन मॉक्सली पूरी करेंगे इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ बहुत ज़ोर से नीचे पटका है ब्रायन सर को, मैं ये मानूंगा भाई जॉन मॉक्सली ने जो कहा था वो सच करके दिखाया है, ठीक है मॉक्सली मैं देखना चाहूँगा तुम और क्या क्या कर सकते हो, आज तो ऑफकोर्स तो दिखा रहे थे कि ये हमारी कंपनी है, मेरे ख्याल से टोनी खान को कुछ करना चाहिए इस विषय में, लेकिन कब करेंगे वो तो मेरे समझ नहीं आ रहा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ डैनियल गार्सिया दूर रहो जॉन मॉक्सली से, क्योंकि अभी इंजरी से कह लो या MJF से फाइट के बाद वापस आए हैं, एक तरीके से समझ लें इंजरी के बाद वापस आए हैं,
तो ऑफकोर्स मैं कह रहा हूँ कि दूर रहो, वरना डैनियल गार्सिया कहीं वापस इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि आज भी मदद के लिए आए थे ऑरेंज कैसिडी की, ठीक है, जब जॉन मॉक्सलर उनकी कंपनी मारने के लिए आई थी, है ना। तो ऑफकोर्स डैनियल गार्सिया दूर रहो मेरे भाई, और प्राइवेट पार्टी तुम भी दूर रहो। वैसे तो रेसल टीम की बात करी जाए तो बहुत तगड़ा मैच था यंग बक्स और प्राइवेट पार्टी के बीच, मज़ा आ गया वो मैच देख के। ये तो मैं कहूँगा किस्मत की बात है यंग बक्स जीत गए, वरना प्राइवेट पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैच हराने के लिए। खैर, रेसल टीम के बारे में बात कर ली, जॉन मॉक्सली ने जो आज किया उसके बारे में बात कर ली, ऑफकोर्स बहुत कुछ घटित हुआ आज AEW में भी। खैर, सबकी दुश्मनी किसी न किसी से चल ही रही है ऐसा लग रहा है। खैर, डेरबी बहुत बढ़िया पिनफॉल के लिए जाना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ कोनोसुके को पनिशमेंट देना पड़ेगा। खैर, रिकोशे ने ओपन चैलेंज दिया है कोलिजन में कि कोई भी उनसे लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है, और अगर कोनोसुके लड़ना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, खुली चुनौती है। खैर, मेरे गेम में ब्रायन सर चैंपियन बन गए थे, हसीयत में तो पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो गया, कोई हंस नहीं भाई। ब्रायन सर, मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार और रिवेंज लेने आओ, भले ही लड़ने मत आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हो वैसा हो जब आप आओ तब ऑफकोर्स मॉक्सली अपना टाइटल हार दें। ऑफकोर्स मेरा मतलब यही है रिवेंज लेने से। खैर, देखते हैं क्या होगा, अभी के लिए मैंने सब बता दिया है, और आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में बताइएगा ज़रूर। खैर, जे वाइट का रिवेंज टूर भी स्टार्ट है, कोनोसुके का ऑफकोर्स चैंपियनशिप के साथ नया टूर स्टार्ट है, विल कब वापसी करेंगे पता नहीं, आज तो नहीं आए थे, आज सिर्फ रिकोशे दिखे। तो खैर, ऑफकोर्स वुमेंस मैच की बात करी जाए तो ठीक है, वुमेंस मैच हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मई के लिए अगला अपोनेंट भी शायद मिल ही गया है, देखते हैं क्या होगा उसके विषय में। खैर, अभी के लिए ऑफकोर्स मर्सिडीज़ की बात करी जाए तो आज ही उन्होंने क्वीन एमनाटा उनका नाम है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ नाम के साथ, तो उनको हराया है, तो ऑफकोर्स मर्सिडीज़ अच्छा कर रही है। तो देखते हैं अगला अपोनेंट कौन होगा मर्सिडीज़ के लिए, क्या होने वाला है डेरबी का, ये सब जानना ही है मुझे। खैर, देखते हैं गेम में कब तक टाइटल डैनियल ब्रायन अपने पास रख सकते हैं या फिर आज ही हार जाएंगे। कोनोसुके को बस इसीलिए लिया है क्योंकि मैं एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा था कोनोसुके को, कि चलो गेम में नहीं जीत पाए थे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप तो वर्ल्ड टाइटल जीतने की कोशिश कर लो, अगर जीत सकते हो तो, अगर हरा सकते हो अमेरिकन ड्रैगन को तो। खैर, अच्छा बस यही है कि भाई जब एंट्रेंस हो रही है, एंट्रेंस तो वैसे मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन गेम में बस यही अच्छी बात है कि एंट्रेंस के वक्त कोई किसी को मारेगा नहीं, अगर आप समझ रहे हैं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। जॉन मॉक्सली ने तो भाई एंट्रेंस ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं किया था, सीधा मारने लगे थे, और अफकोर्स इससे ज़्यादा और कौन किसी को टॉर्चर कर सकता है, एंट्रेंस तक ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया, जब तक मैच स्टार्ट नहीं हो गया तब तक ऑफकोर्स शेफिन नाम है, क्या नाम है उनका, वो जो मैनेजर है डी मॉक्सली की, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका। खैर, तो उन्होंने भी मारा मैच जब तक स्टार्ट नहीं हुआ, मॉक्सली ने भी मारा जब मैच स्टार्ट हो गया, तब भी उन मैनेजर ने बहुत चीटिंग करी, हे भगवान ब्रायन सर के साथ क्या हुआ। खैर, अभी के लिए मैच फोकस करते हैं, कमेंट्री करते हैं, बाकी सब मैंने बता दिया, AEW आप चेक कर सकते हैं, आज डायनामाइट आई है, और ऑफकोर्स बात करी जाए तो शहर का भी मैच बुक्ड है पता है, स्वैर्व बेंजामिन के साथ लड़ेंगे, मुझे भी पता, मैं उस मैच को प्रेडिक्शन दूंगा या नहीं अभी सोच रहा हूँ उस बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्वैर बॉबी लैशली से लड़े, बेंजामिन से नहीं, कम ऑन मैन क्या हो रहा है ये। खैर, देखते हैं उस मैच का प्रेडिक्शन देना है या नहीं, आज इस मैच को एंजॉय करो। खैर, बचाने के लिए ओके डेरबी ने किक आउट कर दिया है, कम ऑन डेरबी, ओ नीश राइट ब्रायन सर, कम ऑन, गेम में आपको रिटेन करना ही पड़ेगा चाहे आप जो भी करो, ऑफकोर्स जे वाइट अपने में ही बहुत खतरनाक प्लेयर हैं भाई, मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने बस यही कहा था ना कि आप गलत पंगा ले रहे हो, और मेरी बात सही हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब देखो एडम पेज पीछे पड़ गए ना, एडम पेज चाहते तो वो थार के बाद पीछा नहीं कर सकते थे, ऑफकोर्स जे वाइट को छोड़ देते नहीं, लेकिन पीछे पड़ गए हैं, अब जे वाइट के साथ क्या होना है पता नहीं। खैर, मैं ये जानना चाहूँगा क्रिश्चियन केज के, मतलब क्रिश्चियन केज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कौन आ जाता है बार बार, यार उसका मुझे नाम भी कायदे से नहीं पता, बार बार डिस्ट्रैक्शन के लिए आ जाता है उसको, पहले तो पीटो क्रिश्चियन केज सर, और खैर आप कैश इन सोच समझ के करना, क्योंकि जॉन मॉक्सली पे ही कैश इन करोगे क्रिश्चियन केज सर, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ के करना। खैर, इलाइट समझदार है, इलाइट तो पीछे हट गई थी भाई कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, इलाइट समझदार है, अगर वो समझदार है तो आप ऑफकोर्स हैशटैग टीम इलाइट लिख सकते हैं, ऑफकोर्स कमेंट्स में समझ जाऊंगा इलाइट बहुत समझदार है।
ऑफ कोर्स बस दूर खड़े खड़े देख रहे थे तीनों आज जब जॉन मॉक्सली की टीम ऑरेंज कैसिडी को मार रही थी तो खड़े खड़े देख रहे थे बस कि ठीक है मारो मारो हमें मज़ा आ रहा है। खैर ठीक है वो तो थोड़ी कॉमेडी होगी, अभी के लिए देखते हैं क्या होने वाला है। सारे टॉपिक मैंने शायद कवर कर दिए, कुछ भूल गया हूँ तो कोई बात नहीं अगली बार कवर कर लूँ। खैर अभी के लिए यहाँ पे सुप्लेक्स होने सके क्या जीत सकते हैं ना, सुप्लेक्स के बाद तुरंत खड़े हो गए डेरबी और डेरबी अपना ओके फिनिशर नहीं था, ये कॉफिन ड्रॉप लगाना चाहिए अब डेरबी को भी। खैर यहाँ पे जे वाइट क्या करने की सोच रहे हैं, जे वाइट कम ऑन कुछ करो गन्स अप कर दो। खैर ओके गजब का यहाँ पे नी स्ट्राइक आ गई ऊपर, ब्रायन सर जाओ अपना टाइटल बचाओ और ओके ब्रायन सर क्या कर रहे हैं, ओके आउट कर दिया ब्रायन सर, पता नहीं क्या कर रहे थे किस सोच में थे पता नहीं, गेम में भी इफेक्ट कर रहे हैं जॉन मॉक्सली। अफकोर्स अगर आपको गेम में याद हो क्या हुआ था, जैसे देखो वैसे तो अपने सारे अपोनेंट्स को ब्रायन सर बाकायदा पिनफॉल करके हराते हैं, लेकिन जॉन मॉक्सली के साथ क्या हुआ था भाई साहब, दोनों मुझे लगा ड्रॉ करवाएंगे लेकिन एंड मोमेंट 9 पे अंदर आए थे, 9 पे है ना 9 पे जस्ट अंदर आ गए ब्रायन सर इसलिए जीत गए, वरना शायद मॉक्सली गेम में भी हरा देते पता है। खैर पता नहीं जो गेम में तो कुछ अलग ही हुआ था लेकिन असलियत में बहुत ज़्यादा अलग हुआ है। मैं एक बारी को डायरी कर लेता कि भाई तुमने जो भी किया किया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद जो मॉक्सली ने किया वो मुझे ज़्यादा तंग कर रहा है पता है। खैर अभी के लिए ओके ओ रिवर्सल हो गया, ठीक है रिवर्सल हो गया, कोनो सुखे झूम बराबर झूम हो रहे डी डी टी कनेक्ट, डी डी टी के बाद यहाँ पे झूम बराबर झूम कर लो अच्छे से, लेकिन ब्रायन सर के साथ रिंग में टिकना अच्छी बात है, नहीं रिंग के बाहर ही फेंक दी अब डेरबी को। खैर डेरबी की पिनफॉल करके हराएंगे ब्रायन सर, ब्रायन सर रिटेन करोगे ना कर लेना बस। खैर अभी के लिए ओके कैंडलस्टिक लेके नीचे पहुँचते हुए, लेकिन कैंडलस्टिक का वार हुआ रिवर्स, कैमरा चेंज कर देता हूँ, कोनो सुखे रिंग में वैसे चले गए और एक सुप्लेक्स आएगा ब्रायन सर की हालत ख़राब होगी, जे वाइट भी ऊपर आ रहे हैं, डस्टबिन हाथ में है कोनो सुखे के, लेकिन डस्टबिन का कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे, क्या ब्लेड रनर आ सकता है अभी तो लग नहीं रहा कि ब्लेड रनर आएगा। खैर ओ आ गया ओके नाइस, मैं कह रहा था अभी लग नहीं रहा लेकिन तुरंत आ गया, पिनफॉल के लिए जाना चाहिए खैर और बचाने के लिए भी किसी को जाना चाहिए, कोनो सुखे के पास उनका रेजिलेंस है कि नहीं, ओके रेजिलेंस तो था लेकिन अफकोर्स मुझे 2 मिनट के लगा किक आउट नहीं होने वाला है, अमेरिकन ड्रैगन गजब का नहीं, लेकिन कोनो सुखे हैं होश में और अफकोर्स रोकने आएंगे, अफकोर्स रोकने आएंगे यार। खैर रेजिलेंस चला जाता तो अच्छा रहता। खैर यहाँ पे एक नी स्ट्राइक और वहाँ पे डेरबी का सबका ये मूव करा डेरबी ने जिससे कोनो सुखे तुरंत स्टैंड हो गए, नीचे रोल आउट कर गए जे वाइट और डेरबी ने रिवर्सल कर लिया, कहीं डेरबी तो नए चैंपियन नहीं बनने वाले पता नहीं, डेरबी को एक मौका तो देना था मुझे लेकिन अफकोर्स सोच नहीं पा रहा था कैसे मौका दूँ, चलो ऐसे ही सही है वो रिवर्सल, डस्टबिन की वजह से रिवर्सल हो गया, कोई बात नहीं ये डस्टबिन को कोई हटाओ बीच से। खैर अभी के लिए क्या ओ हाँ डैमेज नाइस, हाँ डैमेज होता हुआ कोनो सुखे जे वाइट आ गए हैं और आमने सामने। खैर अभी ओके नहीं कोनो सुखे का पूरा ध्यान मेरे ख्याल से डेरबी के ऊपर है, एक गजब का क्लोज लाइन और ब्रायन सर भी करेंगे रोल आउट, लेकिन ऑफकोर्स जे वाइट से चक्कर ने मैं तो यही कहूँगा देखो डॉन के लिए गेम में नहीं आने वाले कोनो सुखे, तो तुम्हें जितवाने के लिए कोई इधर आने वाला है नहीं क्या आपका सुप्लेक्स और नहीं इस सुप्लेक्स की बात क्या ओके यहाँ पे फेस फर्स्ट हो गया है ब्रायन सर, आप थोड़ा रिंग के अंदर भी ध्यान दो, नी स्ट्राइक खतरनाक ब्रायन सर नेक्स्ट लेवल खेल रहे हैं, चलो ठीक है मैं तो यही कहूँगा गेम में भी यार गेम में तो नेक्स्ट लेवल खेलते हैं लेकिन असलियत में भी नेक्स्ट लेवल ही खेले थे वो, तो किस्मत अच्छी थी जॉन मॉक्सली की जो जीत गया यार। खैर अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि एक और मैच मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ब्रिस्को सर और ऑफकोर्स क्रिस जेरिको का, यार क्रिस जेरिको ने 100% दिया तब भी नहीं जीत पाए और ब्रिस्को जीत गए, वैसे रीमैच होने वाला है इनका भी तो देखते हैं अगली डायनामाइट में कौन हथियाएगा वो टाइटल रेजिडेंस क्या थे वाइट का नहीं स्ट्राइक ऐसी खतरनाक देते हैं ऑफकोर्स कोनो सुखे और ऑफकोर्स मैं देखना चाहती हूँ कोनो सुखे अपने आप जीते, लेकिन ऑफकोर्स अगर अपने आप जीते नहीं है तो ये बात मेरे को खटकती रहेगी, अपने आप जीतते तो बुरा नहीं लगता मुझे, मैं कहता ठीक है बिल्कुल एक तगड़ा अपोनेंट मिला है और रिकोशे को भी, लेकिन ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है। खैर रिकोशे का यही कहना है कि अभी तक मैंने जब से डेब्यू किया है मेरा पिनफॉल किसी ने नहीं किया है, तो ठीक है देखते हैं रिकोशे का पिनफॉल कब तक नहीं होता है। खैर अभी के लिए ओके यहाँ पे वो डस्टबिन का यूज़ करने वाले थे लेकिन लगा नहीं पाए वो डस्टबिन स्ट्राइक, जे वाइट बहुत खतरे में है क्योंकि रेजिलेंस चला गया है ब्रायन सर, क्या होने वाला है आपके साथ एक ओ डी डी
डीडीटी कनेक्ट चढ़ी गए डीडीटी के बाद ओके डस्टबिन अटैक, फिर से एक बार डस्टबिन अटैक है जॉन मॉक्सली। ओहो यहाँ पे आग लगाने की कोशिश लेकिन वो कामयाब हुई नहीं कोने से की वजह से, ठीक है कोई बात नहीं। खैजे वाइट रोल आउट कर गए हैं, ब्राइन सर रोल आउट कर गए हैं और बैम ब्रेन बस्टर। लेकिन ऑफकोर्स ब्रेन बस्टर जो इनके पास फिनिशर है वो देना चाहिए था, नॉर्मल नहीं है कोई बात नहीं। अभी के लिए बैम स्टॉप का साइन भी यूज़ कर रहे हैं। डेरबी की हालत ख़राब, पिन फॉल हो सकता है। डेरबी के पास रेजिडेंस है कि नहीं, वन टू और किक आउट। डेरबी ने जस्ट किक आउट करा है डेरबी को, भाई ध्यान रखो इसका पिन फॉल मत होने दो, कहीं देर ना हो जाए वरना। खैर किसी एक का पिन फॉल काम कर देगा, ये तो मैंने बताना भूल गया था, लेकिन अब बता दिया। खैर अभी के लिए देखते हैं ओके, यहाँ पे एक किक और एक किक के बाद अभी भी टॉर्चर जारी होता हुआ डैनियल ब्राइन पे। खैर डैनियल ब्राइन को जीतना है तो कुछ करना पड़ेगा अब अभी के लिए। मुझे नहीं पता क्या करेंगे डैनियल ब्राइन, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। खैर ब्राइन सर के पास उनका सिग्नेचर आ जाए तो बढ़िया, स्टैंड हो गए हैं और यहाँ पे ब्लू थंडर बॉम्ब जो कि ये देते हैं। खैर इस मूव का नाम ब्लू थंडर बॉम्ब नहीं है, लेकिन ठीक है मुझे यही बोलना अच्छा लगता है। कटर ओहो ब्लू थंडर बॉम्ब कटर, ब्राइन सर होश में नहीं है, कौन सके का रेजिलेंस ओके। ओह माय गॉड डेरबी एलिन ने तो कमाल कर दिया है, स्टैंड का फायदा उठा के डेरबी बन गए नए AEW वर्ल्ड चैंपियन, क्या बात है। तो ब्रायन सर ठीक है आप थोड़ा आराम ही करो इस समय, अभी के लिए डेरबी नए चैंपियन बन गए। खैर अभी वीडियो भी इधर खत्म हो गया है, अगर पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर watching.